नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हर्ष बंसल। आपका स्वागत है YouTube चैनल मिस्टर ग्रोथ में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड का यूज किस किस जगह पर हुआ है और बकायदा किस डेट को हुआ है, किस टाइम पर हुआ है। देखिए, अगर कोई भी पर्सन आपके आधार कार्ड का मिसयूज करेगा या आपने खुद ने यूज किया होगा, या तो आपके मोबाइल पर OTP के द्वारा यूज किया जा सकता है या फिर आपका थंब लगवाकर किसी भी बायोमेट्रिक मशीन पर वहां आपके आधार कार्ड का यूज किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यही आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, ये आपके लिए किस तरह से फायदेमंद हो सकता है। कभी भी आपका कोई फैमिली मेंबर आपको कंप्लेंट करे कि गलती से मेरा थंब वहां पर लगवा लिया गया या फिर मेरे मोबाइल पर एक OTP आया था, वो इस पर्सन ने ले लिया, तो फ्रेंड्स आप ये भी चेक कर पाएंगे कि उसमें वो सक्सेसफुल हुआ या फिर वो रिजेक्ट हो गया। उसमें पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। बकायदा किसी भी डेट का आप चेक कर सकते हैं कि कब कब किस तारीख को बायोमेट्रिक के लिए यूज़ किया गया या फिर OTP के लिए आधार कार्ड को यूज़ किया गया। अगर आपको लगे कि आप किसी ठगी का शिकार हुए हैं, किसी पर्सन ने आपको नुकसान पहुंचाने के लिए इसका यूज़ किया है या फिर आपके फैमिली मेंबर का जानबूझकर थंब लगवाया गया है, कोई उसका मिसयूज़ कर सकता है, तो उसकी आप डिटेल निकाल कर उसको पुलिस स्टेशन में FIR करवा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप सेम इस पेज पर पहुंच जाएंगे अपने मोबाइल के थ्रू। इसके बाद फ्रेंड्स, सबसे पहले वाले बॉक्स में आपको अपना आधार कार्ड नंबर भरना होगा। फ्रेंड्स, आधार कार्ड नंबर भरने के बाद आपको नीचे वाले बॉक्स में जो सामने कोड दिया होगा, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 1649, तो ये कोड आपको भर देना होगा सेम ऐसे ही 1649। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको जनरेट OTP पर क्लिक करना है। इसके बाद जो आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड होगा उस पर OTP आ जाएगा और वो वन टाइम पासवर्ड आपने यहाँ पर भरना होगा। देखिए, वन टाइम पासवर्ड आ चुका है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले ऊपर दिया गया है ऑथेंटिफिकेशन टाइप, यानी कि आपको किस तरह से लगता है कि आपके आधार कार्ड का मिसयूज़ किया गया है या आप चेक करना चाहते हो या फिर आपके किसी फैमिली मेंबर के आधार कार्ड का मिसयूज़ किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले वाले ऑप्शन में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर मैं चेक करना चाहता हूँ बायोमेट्रिक, यानी कि कब कब मेरे आधार कार्ड का यूज़ किया गया है बायोमेट्रिक के लिए, तो मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाले बॉक्स में आपको डेट सिलेक्ट करनी है, यानी कि आप किस डेट से लेकर किस डेट तक चेक करना चाहते हो कि आपके आधार कार्ड का यूज और आपका थंब लगवाकर बायोमेट्रिक के लिए इसका यूज किया गया है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं क्या करूँगा, इस मंथ की नवम्बर मंथ की फर्स्ट डेट सिलेक्ट कर दूंगा और इसके बाद मैं देखना चाहता हूँ 30 नवम्बर तक, यहाँ पर मैं 30 सिलेक्ट कर दूंगा। अब यानी कि फ्रेंड्स, मैं 1 नवंबर 2017 से लेकर 30 नवंबर 2017 तक देखना चाहता हूँ कि कितने बार मेरे आधार कार्ड का यूज़ बायोमेट्रिक मशीन के लिए किया गया। अब फ्रेंड्स, आपको नेक्स्ट वाले बॉक्स में 1 से लेकर 50 तक नंबर एंटर करना है, यानी कि आप कितनी मैक्सिमम एंट्रीज चेक करना चाहते हो, बट आप इसमें मैक्सिमम 50 एंट्रीज ही चेक कर सकते हो। अगर आपकी एंट्रीज ज़्यादा हो तो आप ऊपर से डेट कम सेलेक्ट करके भी इसको चेक कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर 50 भर देता हूँ जो कि मैक्सिमम लिमिट है। 50 भरने के बाद फ्रेंड्स, अब जो मोबाइल पर OTP आया होगा वो OTP आपको यहाँ पर भरना होगा। फ्रेंड्स, OTP भरने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स देखिए, सबमिट पर क्लिक करने के बाद पूरी डिटेल हमारे सामने आ गई है, यानी कि मेरा आधार कार्ड टोटल 46 टाइम यूज किया गया। इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए, इसमें आपको इस कॉलम में पता लग जाएगा कि किस डेट को यूज हुआ, बकायदा आप पर डेट से चेक कर सकते हो। इसके बाद टाइम दिया गया है कि किस टाइम पर यूज किया गया। इसके बाद फ्रेंड्स, रिस्पांस कोड, ट्रांजैक्शन आईडी एंड ऑथेंटिफिकेशन रिस्पांस, यानी कि जिस भी पर्पस के लिए आपका आधार कार्ड यूज किया गया वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं। देखिए, अगर नो एन लिखा हुआ है तो मतलब नो, इसके लिए आधार कार्ड रिजेक्ट कर दिया गया, एंड अगर वाई लिखा हुआ है तो यस, यानी कि वो ऑथेंटिफिकेशन सक्सेसफुल हुई और जिस भी पर्पज़ के लिए बायोमेट्रिक के लिए आपके आधार कार्ड यूज़ किया गया वो आपका सक्सेसफुल हुआ। यानी कि अगर किसी ने कोई सिम कार्ड लिया होगा आपके बायोमेट्रिक पर थंब लगवाकर, तो वो सक्सेसफुल हो गया है, उसने
वो सिम कार्ड बनवा लिया है। इस तरह से फ्रेंड्स आप चेक कर सकते हो। इसके बाद लास्ट में है एरर कोड। अगर नो लिखा हुआ है तो सामने एक एरर कोड दिया होगा, जैसे कि 400 नंबर एरर कोड दिखाया गया है। इसके बाद एरर कोड नंबर 330 दिखाया गया है। अगर आप एरर कोड की डिटेल चेक करना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा ऊपर चले जाइए। यहाँ पर देखिए ऊपर एक लाइन में दिया गया है एरर आधार ऑथेंटिफिकेशन फेलियर कोड, तो यहाँ पर क्लिक का ऑप्शन है, आपने क्लिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये रिपोर्ट यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। और फ्रेंड्स इस रिपोर्ट को मैंने बकायदा पहले चेक किया है, इसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, यानी कि जो भी एरर कोड दिखाया होगा तो वहाँ से आप रीड कर पाएंगे कि जैसे मान लीजिए ये 400 एरर कोड है, ये किस लिए आता है, तो ये डिटेल भी आपको वहाँ से मिल जाएगी। फ्रेंड्स इस तरह से आपकी जानकारी के लिए ये काफ़ी फायदेमंद है। अगर आपको लगे कि ये वीडियो किसी के लिए फायदेमंद हो सकता है तो उस पर्सन के पास भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हम जल्दी मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ।